सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज आप सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों सबसे पहले बता दें, जिनका भी आज बर्थडे है या फिर मैरिज एनिवर्सरी है, उन्हें हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी की तरक्की पर रहे और आपके जीवन में हमेशा खुशियों से भरा रहे। दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे आज आप किन किन चीज़ों से लेकर सावधान रहेंगे, आखिर ऐसी कौन कौन सी कार्य करने से आपके जीवन में धन दौलत रुपये पैसे बिजनेस कारोबार के मामले में भी बढ़ोतरी होगी, और साथ ही आपकी ग्रहों की स्थिति कैसी रहेगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सब चीज़ों से लेकर आपके राशि पर क्या असर होगी, हम पूरी विस्तार से जानेंगे। तो चलिए हम बात करने वाले हैं 3 अप्रैल शनिवार 2021 के आपके राशिफल के बारे में। आपकी लव लाइफ कैसी रहने वाली है, करियर कैसा रहेगा, बिजनेस और व्यापार कैसा रहेगा और साथ ही स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आपको देंगे। तो आप इस वीडियो को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, आपको वीडियो के अंत में काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज के पंचांग से। तो दिन आज शनिवार का रहेगा, महीना जो है वह फाल्गुन का रहने वाला है। तिथि की बात करें तो कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि बन रही है, जो कि यह सुबह के 5:58 से लेकर ठीक अगले दिन के 4:13 तक चलता रहेगा, और इसके आगे कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। नक्षत्र की बात करें तो मूल नामक नक्षत्र बन रहा है, जो कि यह सुबह के ठीक 3:44 से लेकर ठीक अगले दिन के रात्रि के 2:38 तक चलता रहेगा, और इसके आगे पूर्वाषाढ़ नक्षत्र जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। योग की बात करें तो वरियान नामक योग बन रहा है, जो कि यह रात्रि के 8:58 तक चलता रहेगा, और इसके आगे परिध नामक योग जो है वह प्रारंभ हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं सूर्य और चंद्रमा का टाइमिंग। सूर्य उदय का जो समय है वो रहेगा सुबह के 6:21 पर, और सूर्यास्त का जो समय है उसका टाइमिंग्स रहने वाला है सुबह के 6:39 पर, और चंद्र उदय का जो समय है वो रहेगा अगले दिन के रात्रि के 12:53 पर, और चंद्रास्त का जो समय है वो रहेगा ठीक अगले दिन के सुबह के 11:44 पर। सूर्य राशि रहेगा मीन राशि पर और चंद्र राशि चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगा। तो चलिए अब जानते हैं शुभ काल यानी अभिचित मुहूर्त की बात करें तो यह 2:12 से लेकर ठीक 2:12 तक चलता रहेगा। अब बात करते हैं राहु काल, इसका समय रहेगा सुबह के 9:25 से लेकर ठीक 10:58 तक। याद रखिएगा दोस्तों, आप राहु काल के समय किसी भी महत्वपूर्ण काम को बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना आपके कार्य में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। जो पानी से नहाएगा वह सिर्फ लिबास बदल सकता है, लेकिन जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदल सकता है। जो लोग गिरने से डरते हैं वो जिंदगी में कभी चलना नहीं सीखते। राजा की तरह जीने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करनी पड़ती है। ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है। ना हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं, क्योंकि इरादे तो खुद ब खुद बदल जाते हैं। तो चलिए इसी के साथ जानते हैं वृश्चिक राशि जातकों के लिए कैसा रहेगा आज शनिवार का दिन, क्या कहते हैं आज आपके सितारे। तो चलिए हम पूरी विस्तार से जानेंगे वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। आप ऊर्जा से भरे हैं और बहुत अच्छे मूड में भी हैं, दोस्तों को पार्टी दे सकती हैं, अपनी खुशी में खोलकर आपका ध्यान भविष्य के खतरों से हट सकता है। किसी आदमी से नुकसान होने की शंका नहीं है, केवल आपका पेट उपज वाला अधिक भोजन करने के कारण खराब हो सकता है, जिससे आपकी सेहत पर असर पड़ सकता है। स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल की अगर बात की जाए तो आज रोड पर छोटी मोटी दुर्घटनाएं होने की आशंका बनी हुई है, इसलिए गाड़ी चलाते समय या गली पार करते हुए काफी सावधानी रहें, क्योंकि टक्कर हो सकती है। यहाँ तक कि अगर आप सावधानी भी हैं तो आपको औरों की लापरवाही से चोट लग सकती है, इसलिए रचनात्मक तरीका अपनाएं। आज थोड़ी सी अतिरिक्त सावधानी रखने से आप बहुत बड़ी परेशानी से बच पाएंगे। प्यार और संबंध राशिफल की अगर बात की जाए तो अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो अपनी पसंद को जाहिर करने के लिए आज का दिन बिल्कुल अच्छा नहीं है। हो सकता है कि आपको गलत समझा जाए, उस समय तक का इंतजार करें जब तक आप सामने वाला आपसे खुद
बात करना न चाहे। धीरज का फल मीठा होता है। अपनी दोस्ती और भावनाओं को नियंत्रण में रखें ताकि आप अपनी अनियंत्रित बात या काम की वजह से आपकी गलत छवि न बन जाए। करियर और धनराशि फल की अगर बात की जाए तो आज के दिन शुरुआत उल्लेखनीय होगी। आपको पदोन्नति का भी नई जिम्मेदारी की पेशकश की जा सकती है और भाग्यशाली लोगों को नई नौकरी या अद्भुत अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कड़ी मेहनत की प्रशंसा चारों ओर हो रही है और ये समय इसका सफल पाने का समय है। वित्तीय स्थिति में धन के प्रभावी की वजह से मजबूती आने की संभावना है। दोस्तों, अगर इस जानकारियों से आप सहमत हैं तो आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव जरूर लिखें। आज के दिन शनिदेव को सच्चे मन से पुकारने से आपकी मन की मुरादें पूरी होगी। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।